हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 हीरो एक्सट्रीम 160 R4V विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2023 बजाज पल्सर N160। अब दोस्तों प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन सबके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज मेन फोकस रहने वाला है कि चलाते वक्त दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या समझ में आती है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये क्लियर आइडिया मिल जाए कि राइड के हिसाब से या फिर फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज के हिसाब से अगर आप कोई बाइक खरीदना चाह रहे थे दोनों में से, तो आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक की राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की जो यहां पर छोटी सी वॉक अराउंड है वो शेयर करना चाहूंगा, ताकि बता सकूं डिफरेंसेस क्या क्या है। दोनों में ही आप लोगों को नॉर्मल की मिलती है, वेव की नहीं मिलती है। दोनों में ही आप लोगों को यहां पर जो LED हेडलैम्प है वो मिलता है, लेकिन N160 में प्रोजेक्टर मिलती है जो कि आप लोगों को एक्सट्रीम में नहीं मिल रही। अब एक्सट्रीम में खास क्या है कि आप लोगों को यहां पर ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये LED ब्लिंकर्स मिल रहे हैं जो कि LED की है, और हैजार्ड लैंप आपको मिल रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पेशल मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये बल्ब की देखने में मिलती है, ये टर्न सिग्नल, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ये फोक मिल रही है, ये है टेलीस्कोपिक फोक नॉर्मल, और यहाँ पर आप लोगों को KYB के मतलब कायबा के 37mm के आप लोगों को यहाँ पर USD फोक मिल रही है। देन मडगार्ड वगैरह आप लोगों को दोनों में ही फाइबर की मिलती है। दोनों में ही 100x80 सेशन की टायर भी मिल जाएगी, और दोनों में ही आप लोगों को 17 inches की जो अलॉय व्हील है वो भी देखने में मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसमें डिफरेंस है। दोनों में ही आप लोगों को सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पल्सर में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने में मिलता है। और ये जो आप कलर देख रहे हैं इसके साथ डुअल चैनल ही आती है, सिंगल चैनल नहीं आती है। आप लोगों को एक्सट्रीम में 276mm की ये पेट्रोल डिस्क देखने में मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 300mm की ये डिस्क देखने को मिल रही है ग्रेमिका की कैलिपर के साथ, जो कि काफ़ी प्रीमियम बिल्कुल मानी जाती है। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन देख रहे हैं दोस्तों, तो 164.82cc SOHC 2-valve एयर ऑयल कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को देखने में मिलती है। 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 Nm मैक्स टॉर्क के साथ, और यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर की इंजन काउल वगैरह मिल रही है। परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 163.2cc SOHC 4-valve ऑयल कूल फिल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो 2 valve थी, यहाँ पर ये 4 valve आपको मिल रही है। बाकी पावर फिगर्स भी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा ही मिल रहे हैं, 16.9 PS की मैक्स पावर और 14.6 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और ये जो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो साइड स्टैंड कटआउट सेंसर भी आप लोग को मिल जाएगी, और ये जो आप ओपन सिस्टम देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल देखने में मिलती है। और ये जो साड़ी गार्ड आप देख पा रहे हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं दोनों ही बाइक में सेम मिलती है, लेकिन आप लोगों को लेडीज फुटरेस्ट वगैरह दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल भी देखने में नहीं मिलती है। और रियर सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर स्मोकी सा टेल लैंप आपको देखने में मिलता है, ग्रैब रेल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन ये LED ब्लिंकर्स आप लोग को मिल रही है, नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप लोग को यहाँ पर ये लाइट जलती हुई दिख रही है, और रिफ्लेक्टर आपको मिल रहा है। 130x70 सेशन की जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, लेकिन ये रेडियल टायर है 17 inches के अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पर आप लोग को सेम टायर ही मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये रेडियल चीज़ आपको नहीं मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 220mm की जो पेट्रोल डिस्क है वो मिल रही है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को 230mm की बिल्कुल देखने में मिलती है। और यहाँ पर ABS है जो कि एक्सट्रीम में आप लोग को नहीं मिलती है। एक्सट्रीम आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को 7-step एडजस्टेबल है मूनशॉक देखने में मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो मूनशॉक है वो यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी दोस्तों सीट वगैरह के बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे, कुशनिंग वगैरह कैसी है सबके बारे में आगे बात करेंगे। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को 12 लीटर की मिल रही है, पल्सर में आप लोग को यहाँ पर 14 लीटर की बिल्कुल देखने में मिलती है। हैंडल बार वगैरह दोस्तों दोनों ही बाइक में काफ़ी बेसिक सी है, ये आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेट मिलेगी और वहाँ पर वो थोड़ी सी इंक्लाइंड मिलती है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। राइट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये इंजन की स्विच और स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, हैजार्ड लैंप का स्विच, हीरो की लोगो, फुल डिजिटल मीटर कंसोल है। बाकी ये ब्लूटूथ भी है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ करके अगर ऑन करें तो यहाँ पर बैटरी का स्टेटस, कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर दिखती है सर्विस इंडिकेटर के साथ। स्पीडो, ऑटो, टैको सब कुछ आप लोग को दिख रही है। गियर पोजीशन सेंसर है, टाइम और आप लोगों को फ्यूल गेज सेंसर जो है वो भी यहाँ पर दिख जाती है। और मोड बटन का इस्तेमाल करने पर आप लोगों को Trip 1, Trip 2 भी दिख जाती है। और अगर आप इस मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ब्राइटनेस जो है उसको भी अगर आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये मिरर वगैरह के बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। साथ ही मैं बता दूँ यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो
जो टैंक है 14 लीटर की मिल रही है, यहाँ पर 12 लीटर की है, और साथ ही आप लोग ये दोनों में ही करीबन 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर खास ये है कि ये चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रही है, हैंडल बार आप देख सकते हैं थोड़ी सी इंक्लाइंड है, तो चलने में कितनी डिफरेंस है आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इसको एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं तो पूरी तरीके से एक बार स्वाइप करती है, देन यहाँ पर स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी जो चीज़ है वो भी आप लोगों को दिखा रही है टाइम के साथ। ABS का सेंसर, देन मैलफंक्शन लाइट, बैटरी इंडिकेटर वगैरह, तो आप लोगों को भी यहाँ पर ये दिख ही जाती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है। ग्राउंड क्लियरेंस अब एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, दोनों में ही 165 mm की है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल चैलेंज में 152, ये टॉप मॉडल में 154 किलोग्राम की है, यहाँ पर बेस वेरियंट में 144, और यहाँ पर आप लोगों को टॉप मॉडल में 145 किलोग्राम तक की मिलती है, मतलब 9 किलोग्राम तक की डिफरेंस है अगर आप लोग दोनों ही बाइक में देखते हैं। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके राइड पर, एंड देन देखते हैं कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को चलते वक्त क्या आप लोगों को डिफरेंस महसूस हो सकती है, देन लौट के हम लोग बात करेंगे कि दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। चलिए दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं विद N160। 795 mm की सीट हाइट है और बैठते वक्त कंफर्टेबल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सॉफ्ट है, ठीक है। करते हैं इसको शुरुआत, फर्स्ट गियर, ओ सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई एक चीज़ है, मानना पड़ेगा भाई बजाज के इंजीनियरों ने 2V इंजन होते हुए भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो रिफाइनमेंट है इंजन में से, वाइब्रेशन को तो ख़त्म ही कर दिया है, इनिशियल एक्सेलरेशन भी काफ़ी तगड़ी ही आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। तो ये तो बिल्कुल इनिशियल इंप्रेशन था। सीट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो कंफर्टेबल, जैसे मैंने बताया था, मतलब सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मतलब ये होता है ना कि जब आप बैठ रहे हैं तो हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी नीचे की तरफ फील हो सकती है, बिल्कुल ही रियर फिटेड फुटपेग आपको मिल रहा है, तो एक स्पोर्टी स्टांस आपको मिल रहा है, ठीक है। बाकी अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग राइड्स के लिए भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। सीट भी काफ़ी स्पेसियस है, चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलन हैं, उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल भी आपको बिल्कुल देखने को मिलती है। और अब अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊं दोस्तों तो असिस्ट फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं क्लच जो है ना काफ़ी आपको लाइट फील होती है। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर अगर आप चेंजिंग वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, आप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट आपको काफ़ी मतलब स्मूथनेस के साथ होती है, और एक क्लिक हल्का सा एक साउंड मिलता है, आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ मतलब मैंने शिफ्टिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से कर ली है। तो दोस्तों अब इंजन के बारे में बात हो रही है तो चलिए इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी करते हैं, देन आगे इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ, जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। तो अब दोस्तों ये एक्सेलरेशन टेस्ट के साथ से आप लोगों को अपना जो मतलब ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों बात ये है कि अगर आप 90 तक भी जा रहे हैं ना, बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइंड फील होती है, वाइब्रेशन बहुत कम फील होती है, उसके बाद हल्का सा आप लोगों को जो फुटपिक्स पर है वो महसूस हो सकती है, बाकी टैंक वगैरह पर बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और अगर बताऊँ दोस्तों वाइब्रेशन के बाद, वो है इसकी स्टेबिलिटी। आप 125-30 तक भी जा सकते हैं इस बाइक के साथ, आप लोगों को स्टेबिलिटी में वैसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मतलब टायर स्लिप कर रही है या दाएं बाएं जा रही है बाइक, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या हो सकती है दोस्तों, क्योंकि वाइब्रेशन बाइक में बहुत कम है, तो आप 80-90 तक भी जाते हैं ना तो भी आप लोगों को काफी कंफर्टेबल राइड ही मिलती है, मतलब इंजन स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील नहीं करती है। बाकी मैं कहूंगा 60 से 70 के बीच में अगर आप रखते हैं तो माइलेज भी आपको अच्छी मिलती है, मतलब 45 किलोमीटर तक की, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं माइलेज घटती है, ठीक है। बाकी आपको कितना मिला है माइलेज आप नीचे बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो। अब एक चीज मैं आपको और यहां पर जो बताना चाहूंगा दोस्तों वो है इसकी ब्रेकिंग के बारे में। डुअल चैनल है तो सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60, चलिए ले चलते हैं इसको, एंड ब्रेक अप्लाई 64 तक। ओ माय गॉड, इसी वजह से दोस्तों मुझे ये बाइक बहुत ज्यादा पसंद है भाई। आज तक जब भी मैंने मतलब बाइक को मतलब टेस्ट किया है ना, ABS अपना काम बखूबी निभाती है। यहाँ पर भी हल्का फुल्का पत्थर तो गिरा हुआ था रास्ते में, शायद गाड़ी फिसल सकती थी, एक्सट्रीम प्रेस करने के बाद जो लीवर है हल्की सी जो वो ABS की इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर फील हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर इन मिड ऑफ द ब्रेकिंग टेस्ट यहाँ पर ये देखिए, ये जब आप कर रहे हैं ना, ओ माय गॉड,
ये आपको काफी तरीके से, आप ये जो बेंडिंग है वो आप कर सकते हैं, मतलब मैं लीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉर्नरिंग की बात कर रहा हूँ, वो काफी सही तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कॉर्नरिंग देख रहे हैं वो भी काफी सही है, और शॉर्ट टर्निंग रेडियस भी, मतलब होता है ना शहरों में छोटी छोटी गलियों में मुड़ना होता है, तो वो भी आप काफी तरीके से कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जो कह रहा था दोस्तों, फ्रंट जो ब्रेक है 300 mm की डिस्क ब्रेक, वो काफी अच्छी तरीके से काम करती है, ब्रेक बाइट फीडबैक बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब आप ये लीवर देख रहे हैं ना, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो आप जितना ज्यादा पुल करते हैं उतनी अच्छी आप लोगों को जो रिजल्ट है वो देखने में मिल जाती है। और चलिए दोस्तों, अब रियर ब्रेक को भी जो हम लोग 60 पर ले जाके टेस्ट करते हैं, एंड ब्रेक अप्लाइड। ओ हो, यहाँ पे तो दोस्तों कहना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ABS ने इंट्रूशन काफी ज्यादा दिखाई है, मतलब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया था, ठीक है, तो वहां पे ABS ने इंट्रूशन दिखाया, शायद बाइक फिसल सकती थी, वो फिसली नहीं है। तो इस बाइक में ना, मतलब ब्रेकिंग में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये तो बात बहुत सही है। चलिए अब दोनों को ही साथ में अप्लाई करके देख ले, पहले रियर एंड देन फ्रंट, एंड रियर विथ फ्रंट अप्लाइड। ये आराम से आप रोक सकते हैं, बाकी दोस्तों कह दूं पीछे कोई है नहीं, मैंने देख के ही ब्रेक अप्लाई किया, डरिएगा मत, ठीक है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग दोस्तों इस बाइक में, मतलब इस बाइक की टक्कर की ब्रेकिंग ना आपको बहुत कम ही बाइकों में देखने को मिलती है, मतलब मैं ABS के लिए कह रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग है। और अब अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन और हैंडलिंग के बारे में कहूं दोस्तों, तो ये जब आप करते हैं ना, तो भले आप लोग को यहाँ पर USD ना मिल रही हो, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन पर से ना फिर भी वो आपको जो स्टिफनेस है वो देखने में मिलती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई USD की तरह ही स्टिफनेस है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक स्टिफनेस जो देखने में मिलती है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि भाई हाँ आप कॉर्नरिंग कीजिए, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देती है, तो वो चीज़ बहुत सही बनती है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर हम लोग यहाँ पर ऑफ रोड पर जाएँ तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन हाँ स्टिफ है मिड साइड पर, मैं कहूँगा, मतलब अगर आप जैसे एक बार इसको दोबारा यहाँ पर देखिए खड़ा करते हैं, ये देखिए, क्योंकि मोनोशॉक है तो पीछे आपको वो जो झटका है वो तो फील होती है, लेकिन अगर आप 25-30 के स्पीड पर भी थोड़ा बहुत अगर आप ऑफ रोड्स पर से गुजर रहे हैं ना, काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को ये कॉर्नरिंग में भी अच्छा जो फील है वो देती है, मतलब कॉन्फिडेंस। देन आप लोग अगर शॉर्ट टर्न्स वगैरह लेते हैं वो भी सही है, देन आप टॉप स्पीड जा रहे हैं, हाई स्पीड जा रहे हैं, सब में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करती है, और मिड साइड पर ही है, मतलब काइंड ऑफ मिड और स्टिफ साइड के बीच में आप कह सकते हैं। देन दोस्तों अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग कहते हैं, तो ये 154 किलोग्राम की जो वेट है ना, वो जब आप ये हेल दोल भी कर रहे हैं तो बाइक आपकी बात मानती है, जैसे मैं हर वीडियो में ये टेस्ट करके आपको बताता हूँ, वो तो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और आप देखिए पूरा टक इन करके यहाँ पर बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फील देती है। आप ना बाइक पर बैठे हैं और थोड़ा सा झुक कर बैठे हैं, तो बाइक के साथ रोड की जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपको काफ़ी तगड़ी वाली फील यहाँ पर बिल्कुल देती है, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। और मिरर अगर आप देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर में से आपको काफ़ी अच्छी बिल्कुल मतलब देखने को मिल जाती है, तो ये भी मतलब हैंडलिंग में ऐड हो जाती है। स्पीड ऑटो टैको सब कुछ आपको मिलता है, कितनी दूर जाएगी बाइक, डिस्टेंस टू एम्प्टी वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। पिलियन के हिसाब से बैठ रहे हैं तो भी आपको अच्छा स्पेस वगैरह देखने को मिलता है, पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब रेल भी दिया गया। तो ओवरऑल मिला जुला अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो हैंडलिंग है वो यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। और दोस्तों अभी चलिए चलते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर एक्सट्रीम 160R4B पर, देन देखते हैं कि बाइक आप लोगों को कितना अच्छा परफॉर्मेंस वहां निकाल कर देती है इसके मुकाबले। और चलिए दोस्तों अब राइड कंपेयर कर लेते हैं विद दिस फास्टेस्ट 160cc सेगमेंट बाइक, जो कि हीरो यहां पर क्लेम करती है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट गियर पर डाल दिया मैंने, शुरू करते हैं। ये ओ हो, मानना पड़ेगा दोस्तों सही भी है, मतलब 4-valve इंजन अपग्रेड हो चुकी है, और आप लोगों को यहाँ पर पावर भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है 16.9 PS का, और कंपनी जो क्लेम करती है कि फास्टेस्ट इन द सेगमेंट है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं गलत मैं इसको नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत से आपको वो समझ में आ रही है कि भाई काफ़ी तगड़ी आप लोगों को यहाँ पर जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है, ठीक है। पावर जो ज़्यादा यहाँ पर है व्हेन कंपेयर टू N160 थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर फील भी हो रही है, बट हाँ बहुत आपको परखेंगे अब तब समझ में आएगी। भाई नॉर्मल अगर आप मतलब दोनों बाइक को चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फील नहीं है, लेकिन जब आप उसको क्या भाई मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट करती है, चलिए माप के देखते हैं, इस तरीके से अगर आप माप रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझ में यहाँ पर आ सकता है कि हाँ थोड़ी सी फास्टर ये है। अभी तो इनिशियल मतलब इंप्रेशन था। अब दोस्तों सीट के बारे में बात करते हैं, जब मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ ना, सीट यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सॉफ्टर लग रही है व्हेन कंपेयर टू N160। बाकी यहाँ पर ना आप थोड़ा सा अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी थोड़ी सी ऊंची है, और फुटपेक्स भी आप देख सकते हैं काफी रियर फिटेड है, तो मतलब वो आपको जो स्पोर्टी स्टैंड है वो भी कंपनी यहाँ पर देने की कोशिश कर रही है। साथ ही कंपनी की ये भी कोशिश है कि भाई यहाँ पर जो कंफर्टेबल राइड है वो भी दिया जा सके। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, N160 में आप लोगों को जो चार्जिंग पोर्ट था वो मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट था यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है नीचे में यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों में आपको ये चीज़ मिल रही है। देन दोस्तों यहाँ पर अगर क्लच की बात करी जाए तो ये इट्स ऑन द मिड साइड, N160 में काफ़ी सॉफ्ट है, और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर गियर सिस्टम देख रहे हैं
तो यहाँ पर क्या ना आप लोग को हल्का सा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ये बात है कि हार्ड नहीं है, मैं आपको स्मूथ ही कह सकता हूँ, लेकिन वेन कम्पेयर टू NMO 60 थोड़ा सा आपको यहाँ पर एफर्ट लगाना होता है गियर शिफ्टिंग के लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप पिलन के हिसाब से भी बैठ रहे हैं बाइक पर तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो NMO 60 में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी जितनी स्पेस है बैठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ग्रैब हैंडल तो यहाँ पर भी पकड़ के आप आराम से बैठ सकते हैं। और दोस्तों आप इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, देन जो इसकी परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ, जीरो टू 60 आपने यहाँ पर देख लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और ये 0 to 100 भी जो है इसने क्रॉस कर लिया है। अब दोस्तों जो ट्रू है वो कहना पड़ेगा भाई कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर 4 valve इंजन है, देन यहाँ पर पावर फिगर्स भी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो डेफिनेटली कंपनी का दावा भी जो है कि फास्टेस्ट 160cc है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को वो जो फील है ना, थोड़ा फास्टर जो बाइक है वो आप लोगों को यहाँ पर दे रही है। अब दोस्तों जो ट्रू है वो ट्रू है, वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी NMO 60 से, लेकिन ना नोटिसेबली डिफरेंस यहाँ पर है। अब दोस्तों एक बात भी है कि 160cc बाइक लेके कहाँ हर रोज रेसिंग करते हैं, तो उस सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ट्रू है वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गया दोस्तों। वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, मैं NMO 60 को ज़्यादा रिफाइंड कहूँगा, लेकिन हाँ इसमें भी वही मतलब 75-80 तक जब आप जा रहे हैं तो उसके बाद आपको हल्का सा जो वाइब्रेशन है वो महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको अनोइंग फील हो रहा है, लॉन्ग राइड्स में आप लोगों को मतलब वो प्रॉब्लम बॉदर करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वाइब्रेशन हो गया। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों 80 तक आप रखिए, अच्छी खासी राइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो माइलेज घटेगी, ठीक है, और हाँ 90 तक भी अगर आप जाते हैं अच्छी खासी आपको राइड मिल जाएगी, लेकिन उससे ऊपर मत जाइए। मतलब स्पीड ओवर अगर आप एक्सीड करते हैं तो वो सही नहीं है, जान के लिए भी खतरा होता है और आप रूल भी तोड़ रहे होते हैं कहीं कहीं जगह पे, हाईवेज की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों कि यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी कैसी है, तो आप 130 तक भी इसको भगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टॉप एंड अगर आप जा रहे हैं ना तो दोनों बाइक में आप लोगों को कहीं ना कहीं सेम ही देखने में मिलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। चलिए पहले इसको 60 तक ले चलते हैं। ओह, फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, ये आपने देखा है दोस्तों, मतलब ये मानना पड़ेगा दोस्तों कि आपको काफ़ी तगड़ी ब्रेकिंग जो रिस्पॉन्स है वो निकाल कर देती है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें मैं कहूँगा कि ये जो लीवर है थोड़ी सी आप लोगों को सॉफ्टर साइड पे मिलेगी, तो जितना आप ज़्यादा पुल करेंगे उतनी आप लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर देखने को मिलेगी। बाकी हाँ, यहाँ पर ABS वगैरह के जो इंट्रूशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई है। अब दोस्तों 276 mm की पेडल डिस्क है, मैं कहूँगा कि ठीक ठाक आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो बिल्कुल दे देती है, ठीक है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। और ब्रेक अप्लाइड, देखा आप लोगों ने हल्की सी स्लिप हुई थी जब मैंने रियर को एक्सट्रीम प्रेस करा था, बाकी NMO 60 में प्रोग्रेसिव थी, यहाँ भी प्रोग्रेसिव है, लेकिन यही जो हल्की सी फिसलन वगैरह है ना उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए वो मैं बता दूँ। जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, पहले इसको 60 तक ले चलते हैं, देन पहले रियर एंड देन फ्रंट ब्रेक को मारेंगे। ये देखिए 64 तक गया था, अब रियर विद फ्रंट ब्रेक, ये देखिए आराम से आप गाड़ी को रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है दोस्तों कि अगर आप मतलब डुअल चैनल ABS पे नहीं भी है तो भी आप अपनी गाड़ी को फिसलने से बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोग को अच्छी ही देखने में मिल रही है, ब्रेक बाइट फीडबैक आपको सामने में काफ़ी बढ़िया मिलती है, रियर में प्रोग्रेसिव ओवरऑल अच्छी है, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर तो मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँगा कि NMO 60 में थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को डिस्क देखने को मिलती है डुअल चैनल ABS में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग आप लोग को वहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और दोस्तों कॉर्नरिंग तो चेक करना यहाँ पर भी बिल्कुल बनता है, ये देखिए, ओ हो हो, डेफिनेटली दोस्तों ये कहना होगा कि कॉर्नर करते वक्त एक मतलब आपको जो कॉन्फिडेंस मिल रही है ना, देखिए NMO 60 में नो डाउट आपको अच्छी देखने में मिलती है, डर वहाँ पर भी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो USD है, इन सब चीज़ों की वजह से ना आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ बेहतर ही देखने में मिल रही है, ये मेरा कहना है, ठीक है। बाकी यहाँ दोनों ही बाइक में अच्छी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको बेटर देखने को मिलेगी। और अब अगर दोस्तों मैं आप लोगों को सस्पेंशन और ओवरऑल अगर मैं हैंडलिंग के बारे में बताऊँ, तो सस्पेंशन अब ट्रू बात तो ये है दोस्तों कि क्योंकि यहाँ पर USD दी गई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप लोगों को वो जो हैंडलिंग में जो डिफरेंट फील है सस्पेंशन की वजह से वो आप लोगों को हो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, गाड़ी के थोड़ा सा अंदर बैठे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है और इसके लिए थोड़ा सा इसकी जो हैंडलिंग वो बदल जाती है, क्योंकि NMO 60 में आप गाड़ी पर बैठते हैं और सामने में थोड़ी सी स्टिफर आपको बिल्कुल महसूस होती है। बाकी यहाँ पर इसको उतारते हैं गड्ढे में, ये बिल्कुल 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 ये आपको वो जो स्टिफर जो फील है वो आपको बिल्कुल देती है। देन रियर की अगर बात करें तो रियर सस्पेंशन का जो फील है वो कहीं ना कहीं NMO 60 के बराबर ही आपको मिले, लेकिन फ्रंट में अगर आप देख रहे हैं वेन कंपेयर टू NMO 60 आपको थोड़ा सा स्टिफर साइड पे फील दे सकती है। और हाँ,
कॉर्नरिंग में डेफिनेटली ये आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्कुल फील कराती है व्हेन कंपेयर टू N160, बट दोबारा कहूँगा वहाँ पर भी अच्छी ही मिलती है। और सस्पेंशन के बारे में कह दिया दोस्तों, कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स पर आप जा रहे हैं, आप हाई स्पीड जा रहे हैं, कॉर्नरिंग कर रहे हैं, टॉप स्पीड्स पर जा रहे हैं, अच्छी आपको ये मतलब राइड निकाल कर देगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि N160 आपको थोड़ा सा बेहतर जो मतलब कह सकते हैं कि कंफर्ट है वो निकाल कर दे सकती है, लेकिन ये आप लोगों को ज़्यादा हाई स्पीड्स पर ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस निकाल कर दे सकती है। ये दोनों में डिफरेंस है। और ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप देखें दोस्तों, ये बाइक आपको हल्की महसूस होगी, 145 किलोग्राम की इसकी वेट है, तो ये जो 9 किलोग्राम की जो डिफरेंस है ना, वो आपको समझ में आती है चलाते वक्त कहीं ना कहीं। और ये जो हैंडल आप देख रहे हैं N160 में, थोड़ी सी इंक्लाइंड आपकी तरफ है, अंदर की तरफ, ये थोड़ी सी बाहर है, तो ओवरऑल हैंडलिंग थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगती है। बाकी पैर यहाँ पर भी आप टक इन करके बैठ रहे हैं, चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलती है, स्पीड ऑटो के यहाँ भी मिल रही है। बाकी ये तो ब्लूटूथ इनेबल्ड है, तो चाहे आप मतलब कॉलेज में सेलेक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर बन रही है व्हेन कंपेयर टू N160। और रियर व्यू जो मिरर है दोस्तों, ये भी आपको काफ़ी अच्छा ही जो व्यू है वो निकाल कर दे रही है। दोनों में से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब चेंज यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, चाहे आप राइडर है, पिलियन है, काफ़ी अच्छी राइड आपको मिल जाएगी। सीट जो है स्पेसियस आप लोगों के लिए है और कंफर्टेबल भी है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक को हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया, और चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन में कि दोनों में से खरीदना आपके लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों अभी सत्य वचन की घड़ी, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है, अब सिर्फ राइड के आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को ये चाहिए था कि भाई मेरे लिए सेफ्टी सबसे ज्यादा मैटर करती है, डुअल चैनल एबीएस मुझे चाहिए, रात में मैं ट्रैवल करता हूं, प्रोजेक्टर एलर्जी हेडलैम्प मुझे चाहिए, दूर दूर ट्रैवल करता हूं, तो जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो मुझे चाहिए थी, और वो जो मीटर कंसोल है पल्सर की वो मुझे पसंद आ रही है, माइलेज भी मुझे 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, और 1 लाख मतलब 55 से 1,60,000 तक के बीच में अगर मेरी बजट है, तो बिल्कुल मैं N160 को प्रेफर करूंगा दोस्तों। लेकिन आपको ना वो ड्रैग वगैरह ज़्यादा पसंद है आप लोगों को, मतलब ठीक है, मतलब कंपनी क्योंकि इसको ड्रैगस्टर के हिसाब से आप कंपनी ऑफर कर रही है, तो अगर आपको थोड़ा वो सेंस ज़्यादा पसंद है, आपको कॉर्नरिंग वगैरह और तगड़ी चाहिए थी, ठीक है, आप लोगों को USD फोक चाहिए, ठीक है, चक्के वगैरह आपको तगड़ी चाहिए, 4 वाल्व इंजन आप लोगों को चाहिए, और कंपनी क्योंकि कहती है 160cc सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट बाइक कंपनी ऑफर करा रही है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन भी काफ़ी तगड़ी चाहिए थी, पावर फिगर्स भी आप लोगों को मतलब अच्छी खासी चाहिए, और मतलब ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल भी चाहिए, मतलब ये कॉल SMS अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना था, ठीक है, थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी बाइक चाहिए थी, और साथ ही आप लोगों को ये भी देखना है कि भाई माइलेज भी अच्छी मिले, 40-45 किलोमीटर तक की मिले, और बजट भी आप लोगों को 1,65,000 से 1,70,000 के बीच में अगर आपको अलाउ कर रही है, तो मेरे ख्याल से राइड के आधार पर ही मैं आप लोगों को कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो बाइक है X3 160R4B, ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। हाँ, अगर आप कोई सा भी एज ग्रुप के हैं, मतलब मिडिल एज तक की भी अगर आप हैं, तो दोनों ही बाइक को आप ऑफर मतलब आप चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द राइड कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई, और खरीदना आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।